15 अगस्त को बड़े पर्दे पर आ रही है फिल्म मिशन मंगल। मिशन मंगल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला, ये फिल्म सिर्फ 32 दिन में शूट होकर तैयार हो गई थी। इस फिल्म के बारे में 2018 में सोचा गया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो 32 दिनों में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट थी, फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी। दूसरा, इस फिल्म की कहानी अक्षय कुमार ने सुनी थी केसरी के वक्त। वो केसरी की शूटिंग के लिए निकल रहे थे और डायरेक्टर जगन शक्ति ने उन्हें इस फिल्म के बारे में बताया। जैसे ही उन्होंने इस फिल्म के बारे में सुना, तभी जाकर ये फैसला हो गया था कि वो ये फिल्म करने वाले हैं और जगन शक्ति के साथ ये फिल्म बनाने का फैसला हो चुका था। नंबर 3, ये फिल्म एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म है जहां पर विमेन पावर को दिखाया जा रहा है, किस तरह से नारियों ने मिलकर इंडिया के स्पेस रिसर्च के सपने को पूरा किया था और मिशन मंगल साबित हो पाया था। वहीं इस फिल्म से जुड़ी एक और खास बात यह है कि फिल्म के डायरेक्टर अब तक कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ असिस्टेंट थे आर बाल्की और AR मुर्गदास के इन द फिल्म हॉलिडे एंड पैडमैन। तो ये पहली बार है जब वो किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं और ये भी बड़ा होगा जब वो पहली बार अक्षय कुमार को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। एक और खास बात है इस फिल्म की, अक्षय कुमार और विद्या बालन बड़े पर्दे पर साथ आ रहे हैं पूरे 12 साल बाद। यानी 2007 में दो फिल्में आई थी, हे बेबी और भूल भुलैया, जिसमें इन दोनों ने साथ काम किया था। अब पूरे 12 साल बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन। 15 अगस्त को आ रही है ये फिल्म बड़े पर्दे पर, देखना होगा कैसा कमाल करती है।